आत्म से आगे पेज नंबर 68 है ना, पेज नंबर 68 पे आज हम स्टडी करेंगे चेंजेस इन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम एंड प्लेस। किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त हम बदलाव लाते हैं टाइम में और प्लेस में। अभी जो टेबल है, इस टेबल को आप देखोगे यहाँ से, ये जो टेबल है आप सब लोग ये बुक ओपन करेंगे और करके आप 68 पेज पे, ये टेबल है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगी इनडायरेक्ट में टाइम और प्लेस को चेंज करने में। तो यहाँ से आप देखिए, पहला है आपका डेमोंस्ट्रेटिव, दिस और दीज, अगर ये दोनों आते हैं तो इनडायरेक्ट में उनको दिस की जगह पर डेट करना है और दीज की जगह पे दोज करना है, समझ में आ गई ना। एडवर्ब ऑफ प्लेस, दूसरा आता है प्लेस और हियर और हियरिंग, अगर डायरेक्ट में हियर है तो इनडायरेक्ट में देयर हो जाएगा, डायरेक्ट में अगर हियर इन है तो वहाँ देयर इन हो जाएगा। ये चेंजेस आपके सामने बैठे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह आपको एक्सप्रेशन ऑफ टाइम और एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस चेंज करना है। दूसरा एडवर्ब ऑफ टाइम टू नाइट, अगर टू नाइट आता है तो इनडायरेक्ट में दैट नाइट, यस्टरडे आता है तो इनडायरेक्ट में द प्रीवियस डे या द डे बिफोर, टुमारो आता है तो द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे या द डे आफ्टर, तीनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। सबसे ईजी लगता है द नेक्स्ट डे, है ना, टुमारो को द नेक्स्ट डे, नेक्स्ट द डे बिफोर यस्टरडे, अगर ये आता है डायरेक्ट में, अगर डायरेक्ट में द डे बिफोर यस्टरडे आता है तो आप क्या बनाएंगे इनडायरेक्ट में, द डे बिफोर द प्रीवियस डे, बिफोर द प्रीवियस डे, यस्टरडे हटाएंगे प्रीवियस डे लगा, ऐसे द डे आफ्टर टुमारो पर कहते हैं परसों, तो इनडायरेक्ट में ये बनेगा द डे आफ्टर द नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट अगर लास्ट है तो द प्रीवियस नाइट, द जरूर लगाना है आपको, है ना, द अब लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक, दिस आफ्टरनून जिसका दैट डेट आफ्टरनून, इस तरह से आपको एक्सप्रेशन ऑफ टाइम और एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस में चेंजेस करना है। जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इस टेबल की आपको मदद लेना है, इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखिए। इसने यहाँ एग्जाम्पल दिया है ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर ने कहा था चिल्ड्रन विल गो ऑन अ पिकनिक टुमारो, अब यह टुमारो नाम का एक एक्सप्रेशन ऑफ टाइम हम देख रहे हैं, है ना, एक वर्ड यूज हुआ है टुमारो, अब टुमारो का क्या बनेगा, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, देखें आंसर क्या है, ग्रैंडफादर सेड कि द चिल्ड्रन वुड गो ऑन अ पिकनिक द नेक्स्ट डे, तो हमने द नेक्स्ट डे ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, इस तरह हम चेंज करेंगे, तो ये एक्सप्रेशन ऑफ टाइम है, आपने कल पढ़ा था, आपने कल किसके बारे में पढ़ा था, टेंसेस के बारे में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये पेज नंबर 67 पे है ना, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार फिर से, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद करना है, इज एम आर, देखिए डायरेक्ट में अगर इज एम आर होता है तो इज एम आर को इनडायरेक्ट में वॉज या वर दोनों से किसी एक में चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज और अगर प्लुरल है तो वर लगाना है आपको, डायरेक्ट में अगर वॉज या वर इस्तेमाल हुआ है मतलब रिपोर्टेड स्पीच अगर पास्ट टेंस में है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, मतलब हेड बी लगाओगे वॉज या वर आपका हेड बी लगाना है। अच्छा अगर हेड बीन लगा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में अगर हेड बीन है तो इनडायरेक्ट में नो चेंज, आपको हेड बीन ही लगा देना है, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का टेंस सेम रहेगा, कब रहेगा जब हेड बीन यूज होगा डायरेक्ट, जब डायरेक्ट में हेड बीन आएगा तो इनडायरेक्ट में भी हेड बीन ही इस्तेमाल करोगे, मतलब किसी तरह का चेंज नहीं, आगे लिखा नो चेंज। उसके बाद देखिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव, अगर डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इनडायरेक्ट में हैज और हैव का हेड बनेगा, हैज हैव इस्तेमाल नहीं होंगे उनके स्थान पर हेड लगाएंगे हम, ये
चेंजेस इन द टेंसेज है ना, किस तरह से हम डायरेक्ट के टेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ये आपके सामने बनी बनाई रेडीमेड टेबल है, इसकी मदद लें। जब भी आप इनडायरेक्ट चेंज करें, डायरेक्ट को चेंज करें इनडायरेक्ट को, तो इस टेबल की आपको मदद लेना है। अच्छा, अगर हैज हैव हैड, अगर ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच में अगर ऑलरेडी हैड है तो नो चेंज, आगे लिखा हुआ है नो चेंज के मतलब हैड है तो हैड ही आएगा इनडायरेक्ट में। अच्छा, डू नो डू या डज आता है तो इनडायरेक्ट में आपको डिड लगाना है। डिड आता है हेड प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आती है तो हेड लगाना है, हेड की जगह पर आपको हेड यूज करना है। मतलब पास्ट टेंस हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, वही रूल चल रहा है, पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हुआ तो नो चेंज, हेड डन, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनडायरेक्ट में कोई बदलाव नहीं है, कोई टेंस कोई चेंज नहीं है। शैल विल, विल का वुड, शैल का शुड, किसमें इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में आप विल को वुड में चेंज कर देंगे और शैल को शुड में चेंज कर देंगे। मे कैन, मे का माइट और कैन का कुड। अब देखिए वुड शुड और माइट, ये तीनों के तीनों, इसमें कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं आएगा। कुड और मस्ट, इसके साथ तो मस्ट का क्या होता है पास्ट टेंस हैड टू, मस्ट का पास्ट टेंस हैड टू, और ऑट टू और यूज्ड टू, ये ऐसे मॉडल हैं जिनके साथ टू लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, ऑट टू, ऑट टू हैव, यानी जैसे हैड टू हैव, वुड हैव टू, यूज्ड टू, ऐसे कुड हैव, इस तरह से जो आगे लिखे मैंने इस तरह से आपको लिख देना है। तो ये आपकी टेंस टेबल है, टेंस को बदलने की टेबल है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की टेबल है। इसको आप बहुत अच्छी तरह ही आपको इसको समझना है और याद भी करना है, और ये आपकी हेल्प करेगी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने, चेंज करना है। अच्छा, ये रूल्स आपने पढ़े थे, है ना, आपको पढ़ा दिए गए किस तरह के टेंसेज में इनडायरेक्ट में चेंजेस नहीं आते, किस तरह के टेंसेज में, किस तरह के टेंसेस को हम चेंज नहीं करते इनडायरेक्ट। ये आपने एक से लेकर चार तक ए बी सी डी पेज नंबर 61-68 पे आपने पढ़ लिए, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। अब हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, अटेंड करते हैं पेज नंबर 69 पे। नंबर वन ले लेते हैं, रवि सेठ, रवि ने कहा वी आर लिविंग फॉर बेंगलोर बाई फ्लाइट दिस इवनिंग। अब मुझे बताएं कि आप इसमें कौन कौन सी चीज़ें चेंज होंगी, टेंस की बात करें, आर चेंज होगा, आर चेंज करेंगे, इधर दिस है, दिस इवनिंग दिस चेंज होगा, है ना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, दिस चेंज होगा, तो आर चेंज हो जाएगा वर में, डब्ल्यू ई आर ई वर, सिंपल पास लगेगा, वो वी को हम चेंज कर देंगे टी एच ई वाई में, ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के प्रोनाउन, ये भी चेंज होगा रवि के अकॉर्डिंग, रवि थर्ड पर्सन है तो वी को भी हम थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे। अब चूंकि ये प्लुरल है वी, तो हम डी एच ई वाई दे यूज करेंगे, तो दे वर लिविंग फॉर बेंगलोर बाय फ्लाइट दैट इवनिंग, दिस का दैट हो जाएगा, ठीक है। फिर अपन ओके, आज इतना ही पढ़ेंगे हम, और दो चीज़ें ये टेबल है इनको आप याद करेंगे। थैंक यू सो मच।